भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर डॉक्टर रंगा को मिला डॉक्टर पवन का समर्थन। बता दें कि टिकट वितरण के बाद रूठों को मनाने में जुटी कांग्रेस को लगातार समर्थन मिल रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन रेवाड़ी से सेक्टर 3 स्थित कांग्रेस कार्यालय पर डॉक्टर पवन धनवाल ने अपने समर्थकों के साथ पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर बाबल से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ML रंगा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। ने कहा कि टिकट मेरी टिकट हुई है, इनकी टिकट है, वो मेरी टिकट है, मेरे ऐसे भाव है इनके प्रति। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है तो इसको अन्यथा ना ले, इस तरह नहीं है। वो हम सब लोग अगर घर जाकर भी बात कर रहे हैं तो ठीक है, कार्यान्वित करना है आगे का कार्यक्रम, कुछ योजनाएं बनानी है, कुछ योजनाएं तय करनी है, चुनाव को कैसे लड़ना है, उस माध्यम से डॉक्टर साहब का बड़प्पन है, सबके सुझाव ले रहे हैं, सबके एक एक के सुझाव इकट्ठे करके और डॉक्टर साहब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक मजबूत उम्मीदवार है और मुझे पूरा पूरा का पूरा मुझे विश्व के अंदर से जीत कर निकाल के लाएंगे और कांग्रेस की विजय निश्चित है, डॉक्टर ML रंगा की विजय निश्चित है। हमारे बड़े भाई हैं 19 के अंदर भी, मुझे नहीं पता उस गेम में उस वक्त कौन खिलाड़ी थे, पर इस वक्त डॉक्टर पवन धनवाल इनका छोटा भाई है, मैं मैदान में हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम हर 100% जीतेंगे। और बाकी जो उम्मीदवार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डॉक्टर महेश जी के वहां गए, वो सब पढ़े लिखे और अच्छे लोग हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, सब मन से जुड़े हुए, सब मन से इनकी इनकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में मेरे जो कार्यकर्ता मेरे समर्थक आज आए इकट्ठा हुए हैं, आप सब इस बात का ये एक सूचक है, इस बात का ये प्रमाण करता है, इनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और हमारी होने वाले विजयश्री का ये सूचक है, द्योतक है, प्रमाण करता है। इतनी भारी संख्या में सब लोग इकट्ठे हैं इनके साथ तन मन धन से सब साथ। जो समर्थक नहीं वो पहुंच नहीं पाए कुछ, देखिए आज हमने अब हमने जो हर गांव से तकरीबन जो भी जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे सीनियर थे उनको हमने आज बुलाया है। इस तरह का हम बड़े कार्यक्रम और भी करते रहे, मैंने आगे भी योजना किया है उसको बनाया है और सब लोगों के आप लोगों के माध्यम से संदेश दे रहा हूं कि हम सब ने मिलके एकजुट होके डॉक्टर साहब को विजयी बनाना है, एक ही मकसद है डॉक्टर साहब को विजयी बनाना है, कांग्रेस का शासन लाना है और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। धन्यवाद। आज सचमुच खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है, बड़ा पावन दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी और भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन आज हमने अपने मेरे अपने निवास पे हमने केक काट कर मनाया है और आज के दिन डॉक्टर ML रंगा साहब यहाँ पे पधारे, इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए जहाँ तक टिकट का सवाल है, इनकी टिकट हमारी अपनी टिकट है और मेरे जितने समर्थक हैं जितने सैकड़ों की संख्या में आप देख पा रहे होंगे सारे कार्यकर्ता सारे समर्थक इनके लिए जी जान एक कर देंगे और इनको भारी मतों के अंतर से जिताएंगे, ऐसा मैं आपको सबको आश्वासन देता हूं। और हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, बदलाव देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश में बदलाव होना सुनिश्चित है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। कुछ कोई हमसे रूठा नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया 52 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने प्रयास किया, जो टिकट के लिए संभावित प्रत्याशी थे, उन्होंने सबने मन से सबने तन से और बहुत जी जान एक करके सब एकजुट होके डॉक्टर ML रंगा के लिए खड़े हैं। और ये तो मेरे पुराने भाई हैं, हम तो हमारा पुराना रिश्ता है जैसा कि इन्होंने बताया 40 वर्षों से रिश्ता है हमारा, उस नाते भी हमने इनका मदद करनी है। और मैं सब आपके माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से मैं आज पूरी जनता से ऐसा मैं सानुरोध प्रार्थना करता हूँ कि सब आगे आए एकजुट होकर इनको भारी से भारी मतों के अंतर से जिताएं, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। विशेष रूप से जितना भी इस क्षेत्र में जितने भी अपने मेरे बुजुर्ग हैं महिला हैं बहनें माताएं साथी जो आपके मीडिया के माध्यम से आज मेरा ये संदेश दूर दूर तक जाए और सबसे मेरा आग्रह है कि बड़े भारी मतों के अंतर से डॉक्टर ML रंगा को विजय बनाएं। जितने ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे फिर उतना ही बड़ा मंत्रालय हम उम्मीद करेंगे, हम हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि होने वाले मुख्यमंत्री हैं वो तय हैं और हम सब इस चीज के लिए आश्वस्त हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। जनता के बीच में जाएंगे और वो घर घर जा रहे हैं तो भी वो उसी दिशा में वही काम कर रहे हैं, आप देखिए समझिए कि डॉक्टर पवन और हम दोनों एक दोनों ही भाई हैं और इनकी दरिया दिली भी है, मैं इनको पिछले 40 सालों से जानता हूँ और इनका इतना विनम्र स्वभाव परोपकार भाईचारा और जब भी हम साथ चुनाव में हम काम कर रहे थे इन्होंने एक ही बात कही थी कि डॉक्टर साहब पार्टी कांग्रेस समुद्र पार्टी है, किसी को भी मिलेगी हमने उसी के साथ काम देना है, उसका समर्थन करना है। और जो कहा था
वो आज इन्होंने किया है और लोगों के लिए भी मिसाल है, और यही कारण है कि हमारे 52 कैंडिडेट में से और किसी ने भी निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि हम दोनों जा बैठते थे यही कहते थे और दूसरे भी कहने लगे, फिर सब ने कहा कि भी हम जो एक कैंडिडेट किसी को टिकट मिलेगी हम उसका साथ देंगे। तो आज ये हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार ये सब सहमत है, सारे साथ दे करके आशीर्वाद देने आए हैं, और इनका समर्थन नहीं, इनका साथ सहयोग, और मैं तो कहता हूँ कि इलाके को एक नहीं दो दो विधायक मिलेंगे। ये मेरे विधायक कैबिनेट स्तर के रैंक था इनके पास, एचपीसी का मेंबर कैबिनेट स्तर का होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री का होता है, तो मेरे बराबर के मंत्री रह चुके, और हम दोनों मिल करके इलाके के लिए करेंगे और लोगों के लिए भी करेंगे। आज हमने लोगों को आश्वस्त किया है और लोगों को सम्मान देंगे मिल करके, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए। मैं इलाके की ओर से भी, दूसरा हम आज इकट्ठे इसलिए भी हुए कि हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भावी मुख्यमंत्री है, उनका जन्मदिन भी है, उनका सभी कार्यकर्ताओं के हमारे उनकी टीम है, हम सभी उनके कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं ने उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमने केक भी काटा है, और उनके स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, और हमने प्रार्थना की है कि वो हरियाणा के एक बार फिर मुखिया बने और किसानों का, व्यापारियों का, जमींदारों का, सबका, ताकि उद्धार हो, वो 36 बिरादरी के किसानों के सबके मसीहे हैं। और इससे पहले भी डॉक्टर अभी बावल के अंदर डॉक्टर महेश जी ने अपने जितने साथी थे उनसे प्रोग्राम किया है, उससे पहले डॉक्टर गोविंद शरण जी, उन्होंने भी 300-400 लोग, और हर आदमी, मैं तो सबके घर जा रहा हूँ, वहाँ मुला करके मीटिंग करके सबको वो मेरे साथ लगा रहे हैं। कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहा था, एक भी ऐसा नहीं जो हमारे इस मुहिम में हमारे साथ ना हो।